ये सब तुमसे सुहेल ने कहा? इसका मतलब है कि दोनों आपस में मिले हुए हैं? नहीं मॉम, वो दोनों आपस में सिर्फ मिले हुए नहीं हैं, बल्कि सुहेल तो मापारा की जबान बोल रहे हैं। कितना समझाया था मैंने तुम्हें हाजरा, लेकिन तुमने उसे बदनाम करने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लिया। मैंने क्या किया मॉम? मैं तो सिर्फ अपना शौहर और अपना घर बचा रही थी। नहीं हाजरा, तुम शुरू से उसको सुहेल के और उसके घर वालों की नजरों में गिराने के चक्कर में लगी हुई थी। मैं? हाँ तुम। क्या जरूरत थी तुम्हें उस पर झूठे लव लेटर्स के इल्जामात लगाने की? उसी वक्त से सुहेल के कान खड़े हो गए थे। बाद में तो तुम्हें पता चल गया था ना कि वो सिर्फ रजिस्टर्ड थे, लव लेटर्स नहीं थे। और राइद और वो एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे, तो तुमने उन पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मॉम, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया था। इनफैक्ट उन दोनों का अफेयर था। अफेयर था भी तो क्या था, सीरियस थे ना वो दोनों। वो तो अपनी माँ से बात करने ही वाला था। इसीलिए तो वो एयरपोर्ट से वापस पलट कर आ रहा था। अगर उनकी शादी हो जाती तो तुम्हारा घर कितना महफूज हो जाता ना। अगर सच्चा प्यार करता ना तो ऐसे धुतकार कर नहीं जाता। वो नफरत उसे तुम्हारी फेक रिपोर्ट देखकर हुई थी। जिसे तुमने उसके नाम से बनवाई थी। लेकिन मैंने उसे वो बदनाम करने के लिए नहीं बनवाई थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने टेस्ट मत छुपाओ, लेकिन तुम्हें तो यूरोप ट्रिप पे जाना था। तुम तो मां बनने से डर रही थी, है ना? मां, मैं आपको अपनी परेशानी बता रही हूँ और आप मुझे ताने दे रही हैं। हाजरा हाजरा, मैं तुम्हें ताने नहीं दे रही हूँ बेटा, तुमसे पूछ रही हूँ कि हजार चाले चलने के बाद एक बा किरदार लड़की को बद किरदार साबित करके तुम्हें क्या मिला? बताओ मुझे, क्या मिला उस बिचारी को बदनाम करके? मॉम, फजूली तुमने मुझे वहां ऑफिस भेज कर ना एक तमाशा खड़ा कर दिया। ना मैं वहां जाती, ना वो यहां आती, और ना ही शैला उसे थप्पड़ मारती। एक थप्पड़ के बदले वो मुझे बर्बाद कर देगी, मुझसे मेरी बेटी छीन लेगी। एक थप्पड़? उसके पास बहुत से रीजंस हैं तुम्हें बर्बाद करने के। कौन से रीजन? उसके बाप की मौत, उसकी बदनामी, उसका बेघर होना, सब कुछ। तो खुदा का शुक्र है कि वो लड़की शरीफ है। अगर वैसी होती ना जैसे तुमने उसको जाहिर किया, तो आज वो अपनी इज्जत बचाने के बजाय सुहेल को काबू में करके बैठी होती।